वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। जिस तरह हमने आज प्रोग्राम की शुरुआत की और जिस तरह ये वाकयात हमारे सामने अनफोल्ड होते हैं, इंसान ये सोचता है कि इस दुनिया में हम बच्चों के साथ, खुसूसन जो नन्हे मुन्ने कमसन बच्चे हैं जिनकी दुनिया के हवाले से भी जहन साजी होनी है, जिनका प्रस्पेक्टिव अपने और इस माशरे के बारे में बनना है, उनको हम किस कदर वायलेंस से एक्सपोज करते हैं। यानी वो 3 साल का बच्चा शायद ही स्कार्ड फॉर लाइफ, जिस तरह फलस्तीन में बच्चे, जिस तरह जहाँ जहाँ कॉन्फ्लिक्ट है, हम अपने शहरों में कुछ ऐसे इलाकों की भी अगर बात की जाए, कॉन्फ्लिक्ट रिडन इलाके हम शहर कराची में भी पाते हैं जहाँ पे असलहे का इस्तेमाल होता है, जहाँ पे ड्रग्स हैं, जहाँ पे ऐसा माहौल है कि आप एक बच्चे को एक हेल्दी, खूबसूरत, प्यारा सा बचपन नहीं दे सकते। इसी हवाले से हम ये भी देखते हैं कि बल्कि आने वाले हफ्ते में हम इस पर बात करेंगे, एक बड़ा अहम इशू ये है जो आपने देखा सोशल मीडिया पे, किस तरह एलीट स्कूल्स इन लाहौर आल्सो फाउंड आउट, जहाँ पे माँ बाप समझते हैं कि वो ज्यादा फीस देकर पढ़े लिखे बहुत ही बाशऊर लोगों के दरमियान अपने बच्चों को भेज रहे हैं और बच्चे वहाँ पे महफूज हैं। उन स्कूल्स में गुज़िश्ता 10 सालों से क्या होता रहा है, किस तरह बच्चियां हरासा हो रही थीं, अपने आप को गैर महफूज फील कर रही थीं और उनकी कोई सुनवाई नहीं थी, इसको हम अगले हफ्ते कवर करेंगे। लेकिन साथ ही घरों के अंदर हम बच्चों पे किस तरह उनकी तरबियत कर रहे हैं, ये भी बड़ा अहम है। हम आपको बताएं कि हाल ही में पबजी, जो कि बहुत ही पॉपुलर वीडियो गेम है फॉर यंग पीपल, चाहे उसमें टीनेजर्स हों चाहे उससे भी छोटे बच्चे हों, उसमें हम देख सकते हैं कि किस कदर वायलेंस है और इसकी जो रियल वर्चुअल रियलिटी है, जब आप उसके अंदर इमर्सिवली गेम खेल रहे होते हैं, आपको सही और गलत क्या चीज एक ड्रामाई अंदाज में आपके सामने पेश की जा रही है और क्या हकीकत है, इसका फर्क खत्म हो जाता है। तभी शायद ये वजह है कि आज अगर हम एक 3 साल का बच्चे को अपने दादा की लाश के साथ टेलीविजन स्क्रीन पर देखते हैं, वो उस तरह हमें हिट नहीं करती, क्योंकि हम इतना वायलेंस देख चुके होते हैं, हम इतना ज्यादा गन फायर करते हैं, हमें अगला आगे जो भी ये ग्राफिक चीज है उसका खून बहता हुआ नजर आता है। बचपन में हम कहते थे ना, ये किस किस्म के कार्टून है, टॉम एंड जेरी में भी कि आप आरी से किसी का सर काट रहे हैं, उसका खून निकल रहा है, बच्चे को वो कार्टून लगता है कि थोड़े से देर के बाद वो दोबारा उसका फेवरेट कैरेक्टर सही हो जाता है। लेकिन दरअसल ये कितना बड़ा मेरे ख्याल में ये डिससर्विस है, ये हमारी किस कदर गैर जिम्मेदारी है कि हमने खून खराबे को, इस तरह के वायलेंस को हमने बिल्कुल नॉर्मलाइज कर दिया है। और इससे मेरे ख्याल में जो बनता हुआ जहन है उसके आप यू नो मैनिफेस्टेशन देखेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा। कल परसों मैं एक और वीडियो देख रही थी आयशा चंदेकर फाउंडेशन ACF के बारे में, आप जानते होंगे, जो कि बहुत ही जबरदस्त काम कर रही थी। पूरी दुनिया में सराहा जा रहा था कि जहां एक ऐसे माशरे में जहां कुत्ते के काट लेने से जो आपको तकलीफ होती है उसके इलाज के लिए वैक्सीन मौजूद नहीं है, उन्होंने इंसानी हमदर्दी को और जानवरों से मोहब्बत को फरोग देते हुए इन स्ट्रे एनिमल्स को, जो गली में आपके बिल्लियां कुत्ते होते हैं, उनको अडॉप्ट करके उनका ख्याल रखना शुरू किया। आपको बड़ी हैरत होगी ये जानकर कि आयशा चंदेकर फाउंडेशन ने कुछ इलाके आइडेंटिफाई किए कि अगर इन अडॉप्टेड डॉग्स एंड कैट्स को वहां पे छोड़ भी दिया जाए तो ये किसी के लिए जानलेवा। एक तो सबसे पहले इनको रेबीज का टीका लगाया होता था तो इनके काटने से कोई जहर नहीं फैलता था, तो उन्होंने कहा चले इनको उस इलाके में छोड़ दिया जाए, इनकी निशानी के लिए इनके गले में एक लीश होती थी। आपको ये जानकर बहुत तकलीफ होगी कि वहां पे लोगों ने इन स्ट्रे एनिमल्स को पकड़ा, उनके हाथ पैर बांधे और उनको जहर दिया। यानी ये कहते हुए भी आप सोचें कि कितनी तकलीफ है कि वो आहिस्ता आहिस्ता एक मासूम जानवर, एक बेजुबान जानवर आपके सामने तड़प तड़प कर मर रहा है और आप उसको कहीं जाने नहीं दे रहे और आप इसमें अपनी बड़ी बर्तरी समझ रहे हैं, एक सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी है, जैसे आपने बड़ा अच्छा काम किया। और आयशा एक बात कहती है उस वीडियो में, जब वो मेरे ख्याल में शी वॉज वेरी इमोशनल, जाहिर सी बात है आप 3-4 महीने इन स्ट्रे एनिमल्स का ख्याल रखें और उसके बाद उनको इस कदर बेदर्दी से कत्ल होता हुआ देखें तो आपका भी दिल भर आएगा। उन्होंने कहा कि हम जिस खौफ की वजह से हम समझते हैं कि शायद ये यू नो हमारे बच्चों पे हमला ना कर दें, हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारे मोहल्ले के लिए उसको गैर महफूज ना बना दें, तो हम इस तरह इन कुत्तों को, इन बिल्लियों को मार रहे हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि वो जहन जो इस तरह की कार्रवाई करता है वो किस कदर डेंजरस है, वो किस कदर खौफजदा कर देने वाली बात है कि एक शख्स आपके यू नो एक बेजुबान जानवर को इस कदर बेदर्दी से कत्ल कर सकता है तो वो कल को कुछ और भी कर सकता है। आई थिंक वी हैव टू थिंक अबाउट इट एंड वी हैव टू रियली लुक इनटू इट कि हम किस तरह का माशरा बनते जा रहे हैं, जहां जानवरों से, जहां बेजुबान खलकत से हमें मोहब्बत नहीं है, जहां हम बच्चों को ऐसे वीडियो
गेम्स के अंदर 100-200 लोगों को मार देना कोई बड़ी बात नहीं है, और अब हमारे सामने ये चैलेंज है कि वो जो उसकी एक ओरिएंटेशन थी, एक नॉर्मल दुनिया थी, कि वो स्कूल जाता था, कॉलेज जाता था, ख्वाब देखता था, स्पोर्ट्स करता था, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में हिस्सा लेता था, वो सब भी खत्म हो गया। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि ये जो हम ट्रांजिशन में जा रहे हैं, बच्चों की तालीम, उनकी तरबियत और उनकी जहन साजी कैसे की जाए, एक छोटे से ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं हमारे साथ। Welcome back. आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, and as you can already see, I have a house full with me. हमारे साथ मौजूद हैं रियाज कमलानी साहब, who's the EVP with the Citizens Foundation, and of course we also have another ambassador and a spokesperson for TCF who's been voluntarily supporting the organization, Sania Saeed Saba, with us. I'd like to welcome them both with us to be here. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. अच्छा, पहले मैं सबसे माजरत कर लूं कि इफ आई एम साउंडिंग अ लिटिल स्पेस्ड आउट, तो मुझे अपने टीसीआर की भी आवाजें आ रही हैं और मुझे अपनी भी आवाज का एको आ रहा है, तो बस वो आप कुछ मैं क्या बोल रही हूँ ऐसा लग रहा है, वो पुराना टूटा हुआ रेडियो नहीं होता जो बहुत सारे सिग्नल पकड़ रहा होता है, बट आई शैल ट्राई माय बेस्ट टू टेक दिस ऑन। सबसे पहले वेलकम टू द शो, एंड आई थिंक द थीम दैट वी हैव सिलेक्टेड फॉर टुडे, एज वी ऑल नो टीसीएफ की एक बहुत अहम रोल रहा है। आई एम वेरी हैप्पी टू बी ऑन बोर्ड एज अ गुडविल एम्बेसडर एज वेल। COVID times have pressed a challenge for everyone, but specifically for schools. और मैं जानना चाहूंगी, and I would like to take this opportunity to ask you, कि how have the TCF schools responded to the challenge? जी, बहुत शुक्रिया सुधा साहब, सबसे पहले तो प्रोग्राम पे बुलाने का, और आप दोनों का हमारे सफीर की हैसियत से मेरे ख्याल में बहुत किरदार और बहुत खिदमत रही है, तो it's an absolute joy to be present with both of you. आपने बिल्कुल सही कहा, ये जो कोविड के हालात हुए, ये मेरे ख्याल में बहुत से लोगों के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ा, मगर खासतौर पे टीसीएफ के स्कूलों में टीसीएफ के बच्चों के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जहाँ पे वसाइल मौजूद हैं वहाँ स्टूडेंट्स की क्लासेस ऑनलाइन भी मुमकिन है, मगर टीसीएफ में तकरीबन 90% ज़्यादा अक्सरियत उन बच्चों के जिनके पास इस किस्म के टेक्नोलॉजी का कोई वसीला नहीं जी। तो जैसे ये लॉकडाउन का सिलसिला मार्च के अख्ताम पर शुरू हुआ, तो एक मुश्किल वक्त था कि इसमें क्या किया जाए, मगर हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक तारीख और एक रोशन, और इदारा और गालिबन लोग जुड़े हुए कुछ इस मिजाज के हैं कि वो रोशनी का पहलू देखने की तरफ ज्यादा मायल होता है, तो उसी सिम्त में सोचा कि आप कर क्या सकते हैं, और उसके लिए सबसे पहला काम ये किया कि तहकीक करें कि जहाँ दुनिया में चाहे एबोला हो चाहे कहीं सिविल वॉर हो तो वहां पे क्या हुआ है, और उस तहकीक से समझ में आया कि काम आपको बच्चों की तालीम का जिनके पास टेक्नोलॉजी नहीं हो वो काम करने के लिए, एक तो मास मीडिया का किरदार, टीवी का, प्रिंट का, रेडियो का, इनका किरदार बहुत अहम है, और दूसरा ये कि अगर उनका कोई ताल्लुक है मौजूद डायरेक्टर से या घर में किसी रिश्तेदार से, तो उसको साथ लेकर चलना इस तरह से कि बच्चा एंगेज रहे, बच्चे के लिए दिलचस्पी हो, क्योंकि कोई पढ़ाने वाला नहीं है तो वो खुद दिलचस्पी से दिल से पढ़े। इसको नजर में रखते हुए हमने 24 मार्च को कराची में लॉकडाउन हुआ था, 1 अप्रैल को हमने कहा जी इसके ऊपर काम शुरू करना है, और सबसे पहला हमने सिलसिला जो सोचा वो सोचा कि एक टीवी प्रोग्राम बनाया जाए। बीटीवी का भी तालीम पे चैलेंज शुरू हो रहा था और चैनल्स भी कुछ इंटरेस्टेड थे, तो हमने सोचा कि हमारी बहुत सारी तहकीक अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के ऊपर मौजूद है, टीसीएफ ने अपनी कहानियों किताबें लिखी हुई हैं, थीमेटिक करिकुलम बनाया हुआ है, तो उसको किस तरह से अडेप्ट कर सकते हैं फॉर अ टीवी प्रोग्राम। 1 अप्रैल पे काम शुरू हुआ, और बड़ी खुशी होती है बताते हुए कि शायद 17 या 19 अप्रैल को पहला एपिसोड एयर हुआ, तो विद इन 17 to 18 days टू पुट टुगेदर दो स्टोरी बुक, टू कनेक्ट द थीमेटिक करिकुलम, ताकि एक इल्म के आंगन के नाम से एक प्रोग्राम जो कि आज टीवी पे भी चल रहा है, उसके अलावा 2-3 और चैनल्स पे भी चल रहा है, वो एयर करने का इंतजाम किया। अब उसमें कहानी एक हमारी बहुत मरकजी किरदार अदा करती है, और हमने कहा जी कहानी सुनाने वाला कोई ऐसा शख्स होना चाहिए जिसको कहानी सुनानी आती भी हो और चखारे लेके सुनानी आती, और उसमें सानिया सईद साहिबा से बेहतर कोई और मेरे ख्याल से इंतखाब हो नहीं सकता था, तो माशाल्लाह इनको एक दिन सुबह में फोन करके कहा और उन्होंने उसी वक्त हामी भर ली, और उसके बाद से मेरे ख्याल में बच्चों को कोई 18 कहानी अब तक सुना चुकी हैं, जिनमें से 11-12 ऑन एयर हो चुकी हैं, और ये भी बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि अब उसमें जो अभी हमारे पास कुछ व्यूअरशिप के नंबर्स आए, तो प्राइवेट चैनल्स और पीटीवी मिला के कुछ व्यूअरशिप 6 मिलियन लोगों की रही है ऑफिस प्रोग्राम, तो अलहमदुलिल्लाह।
मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जिस तरह हम मानते हैं ना बहैसियत मुसलमान हमारा ईमान है इन नमाल उसरे युसरा कि मुश्किल में ही आसानी होती है, तो हम और आप शायद समझ रहे हैं कि जी जाहिर सी बात है कोविड 19 इनके बड़े चैलेंजेस हमारे सामने आए हैं, मसानिया आपा इससे एक काम अच्छा हुआ कि जो हमारे मुल्क की यूथ है बच्चे हैं जो 70% हमारी पॉपुलेशन है उनका कुछ हिस्सा प्रोग्रामिंग में नजर आने लगा, उनके लिए भी टेलीविजन ने डेडिकेटेड टाइम निकाला एंड पीपल लाइक यू हैव स्टेप फॉरवर्ड। तो मुझे बताएं कि जो फीडबैक आई है, जैसे रियाज साहब कह रहे थे कि 6 मिलियन लोगों ने 60 लाख लोगों ने ये प्रोग्राम्स देखे हैं कनेक्ट कर रहे हैं, कैसा महसूस करती हैं आप एंड व्हाट मोर कैन बी डन अबाउट दिस? Assalamualaikum Sidra, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर इंक्लूडिंग मी टुडे इन योर प्रोग्राम। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है जो मुझे महसूस होती है, मैं जरूर कहना चाहती हूँ यहाँ पे कि हम हमेशा किसी आफत का इंतजार क्यों करते हैं कोई काम करने के लिए। टेलीविजन पे जब एक चैनल था तब हमेशा से बच्चों की प्रोग्रामिंग होती थी, शुरू के जो 2-3 घंटे टेलीविजन के होते थे क्योंकि बहुत ही मेरे ख्याल को 7-8 घंटे का टेलीविजन था उस वक्त, तो शुरू के 2-3 घंटे उसमें से बच्चों की प्रोग्रामिंग होती थी, उसमें एक इंटरनेशनल प्रोग्राम भी होता था, कोई फिल्म या फिल्म सीरीज, गानों का प्रोग्राम, सेसमी स्ट्रीट होता था, बाकायदा फीचर फिल्म्स जो बच्चों के लिए बनाई जाती थी सीरीज टेलीविजन की, लिटिल हाउस ऑन द प्रेरी आपको याद होगा, देन अ लॉट ऑफ अदर प्रोग्राम्स। जो टेलीविजन का जो रोल बन सकता है, क्योंकि वो अनडिनायबली जहां जहां टेलीविजन पहुंच रहा है इंटरनेट पाकिस्तान में अभी भी नहीं पहुंच रहा, और अपने इस किरदार से कतराना या कोताही करना मेरा ख्याल है सबसे सबसे मुजरिमाना, मैं तो बहुत ब्लेटेंटली कहती हूँ कि बहुत मुजरिमाना रवैया है। बिल्कुल हम भूल ही गए कि कितनी बड़ी पॉपुलेशन है जिसके साथ कनेक्टेड रहने की जरूरत है, और वो तमाम बच्चे, वो पूरी पॉपुलेशन एडल्ट प्रोग्रामिंग देख रही है, बड़ों के प्रोग्राम्स देख रही है, उन मामलात को देख रही है जिनसे उनका कोई ताल्लुक नहीं है, ना उनकी उम्र है समझने की, ना सो बेसिकली दे आर जस्ट वेस्टिंग टाइम और अब्सॉर्बिंग एब्सोल्युटली अननेसेसरी नेगेटिव थिंग्स। तो ये एक तो आफत का हम ना इंतजार करें, पर्सनल ट्रेजेडीज का इंतजार ना करें कुछ करने के लिए, दिस वाज सो इम्पोर्टेंट एंड दिस शुड हैव बीन डन अ लॉन्ग टाइम अगो, मगर अब जब हुआ है तो आप जो पूछ रही हैं कि मैं कैसा महसूस होता है, तो मुझे जो एक हुरक थी ना बहुत सालों से, बिकॉज इन द 90s, आई थिंक दिस वाज 95-96, मेरे अब्बू ने एक प्रोग्राम पूरा बनाया था जो सिर्फ स्टोरीज पे था, और निदा स्टूडियोज होता था कराची में एक, वहां हमने एक छोटा सा सेट भी लगाया था और मैं ही कहानी सुनाती थी और उसमें स्टफ टॉयज के बीच में बैठ के, और अब्बू ने उसमें ये किया था कि वो कहानियां उन्होंने ली थी और उनको एक कुछ का तर्जुमा उर्दू में किया, फिर उनको पोलिटिकली सोशली करेक्ट भी करते जाते थे साथ साथ, जेंडर करेक्ट करते जाते थे, तो हमने एक दो प्रोग्राम्स उसके रिकॉर्ड के थे, और उस वक्त न्याना चूंकि प्राइवेट प्रोडक्शंस आई नहीं थी तो उसको ले जाके जाहिर है दर दर बेचना भी था, लेकिन किसी को उस वक्त ये बात समझ में नहीं आई, और मेरे वालिद बहुत इस बात से हैरान भी हुए और दिल बर्दाश्ता भी हुए कि यार ये ना समझ में आने वाली क्या बात है इसमें। अब जब मैं ट्रॉफी टीवी के साथ कहानियां सुनानी शुरू की हुई 10-11 साल पहले, फिर अब जब मुझे ये मौका मिला तो मुझे एक सुकून का एहसास होता, मुझे ऐसा लगता है मैंने अभी तक इंस्पायर्ड टू गेट यू पूरे एक हरकत में आया है और ये मौजजा हुआ है, and what you had wished for has actually come to you, and I think you're absolutely right, because you know we are probably the last generation jo wo PTV ek national state television ko dekhte hue, aur main aksar apne doston se kehti hu ki humne ek bada zabardast time dekha because we had analog childhoods and we had a digital youth and a digital teenage. Riyasa हमने बिकॉज प्रोबेबली लास्ट मिलेनियम की हमारी एजुकेशन है तो हम फिर भी लाइब्रेरी जाते थे, किताबें देखते थे, इतने टूल्स नहीं थे, बट एजुकेशन एंड द पेडिगॉजी वाज स्टिल वेरी अर्ली, वेरी ऑर्गेनिक। आज आप क्या समझते हैं कि जितना ज्यादा हम टूल इंटेंसिव होते जा रहे हैं एजुकेशन में,
इज दैट क्रिएटिंग मोर बैरियर्स? और मेरा ये सवाल करने का मकसद इसलिए भी है क्योंकि मुझे बड़ी अच्छी लगती है जब मैं फिलोसफी ऑफ TCF को देखती हूँ. आपने कहा कि अगर खुदा न खासा अंडर सर्व्ड एरियाज हैं तो वहां पे ऐसा ना हो कि जी बिल्कुल ही एक पूरे हाल में एक बिल्डिंग को आप स्कूल में कन्वर्ट कर दें या सड़क पे या फुटपाथ पे बैठ के बच्चों को पढ़ाएं. दे डिजर्व द सेम काइंड ऑफ अ सैंक्टिटी, दे डिजर्व द सेम काइंड ऑफ ब्रिक एंड मोर्टर और एक खूबसूरत फैसिलिटी जहां पे दे फील इंक्लाइन टू गो. लेकिन अब मामला जो टूल्स की बात है, जो एनवायरमेंट की बात है, वो ब्रिक एंड मोर्टर की बिल्डिंग से बहुत आगे निकल चुका है. नाउ दे नीड टू हैव कंप्यूटर्स एंड स्क्रीन्स एंड गैजेट एंड कनेक्टिविटी एंड वाईफाई. डू यू थिंक कि जहां ये यूनिवर्सलाइज कर रहा है एजुकेशन को कि आप घर बैठे तालीम हासिल कर सकते हैं, वहीं ये बैरियर्स भी क्रिएट कर रहा है? जी मेरे ख्याल में थोड़ा सा गंभीर मामला है, इसको थोड़ा सेपरेट करना जरूरी है. क्या टेक्नोलॉजी आज के दौर का तकाजा है जिसको जानना, जिसको सीखना जरूरी है? एब्सोल्युटली, उससे इनकार करना मेरे ख्याल में नामाकूल बात है. मगर क्या तालीम का मकसद जो है वो फकत टेक्नोलॉजी है या तालीम का मकसद फकत कमाना है? पहले तो यहाँ से आपने शुरू करना है कि तालीम का मकसद क्या है. और हम लोग की राय में यह है कि तालीम का मकसद एक बच्चा है जिसके अंदर एक पोशीदा सलाहियत मौजूद है और तालीम का मकसद उस पोशीदा सलाहियत या पोशीदा रोशनी को उजागर करना है, उसके किरदार की तश्कील करना है. तो वो सबसे अहम मामला, यानी उसकी तालीम और तरबियत सबसे अहम मकसद जो है वो ये. अब उस मकसद से जुड़ा हुआ ये है कि उसके पास कमाने की सलाहियत भी होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, बट दैट ऑल कम्स लेटर. हमारा लेट से जब भी हम स्कूल की तालीम का जिक्र करते हैं तो ऑलवेज रिमेंबर कि सबसे बड़ा काम जो है दैट्स अप टू ग्रेड 5 और ग्रेड 8. इस दौर में बच्चा जो है वो 10 साल का, 13 साल का, 14 साल का. हम सब जिस तरह आपने कहा एक पर्टिकुलर दौर से गुजरे हुए हैं, और अगर आज मैं 44-45 साल का हूँ, आसपास के लोगों में देखूँ तो जिन्होंने जिंदगी में कुछ कामयाबी हासिल करी है उसमें उनकी डिग्रियों का और जो तकनीकी उनकी काबिलियत है उसका एक किरदार राखों पे रहा होगा, मगर जो उससे कहीं ज्यादा अहम किरदार है वो उनके किरदार का है, उनकी खुद एतमादी का है, उनके बात करने के अंदाज का है, वो दुनिया को किस नज़र से देखते हैं, वो लोगों के साथ क्या रवैया रखते हैं. और वो ऐसे अवामिल हैं जो कि तालीम और तरबियत में बनते हैं. तो जब हम उस तनाजुर से देखते हैं इवन फ्रॉम अ वर्ल्डली सक्सेस पर्सपेक्टिव कि दुनियावी कामयाबी क्या है, उसमें भी ये नजर आता है कि वो किरदार की तश्कील सबसे अहम अमल है. देखिए, तालीम का मकसद, उसकी नोबिलिटी, उसके आइडियलिज्म से कोई इनकार नहीं कर रहा. मेरे कहने का मकसद है कि द बेसिक बैरियर्स टू इवन एक्सेस टू एजुकेशन. सानियापा, हम स्कूल जाते थे तो चाहे आप एलीट स्कूल में हो या आप मीडियोकर स्कूल में हो, ऑप्शंस भी तो काफी कम थे. यानी आपने या तो बाटा के जूते पहने थे या सर्विस के जूते पहने थे. आपने प्यूमा नहीं पहना हुआ था, आपने 25,000 का जूता नहीं पहना हुआ था. आप चले अगर वैन से आते थे या आपके घर से कोई आता भी था तो इतना फर्क नहीं है. आज के स्कूल्स में, चाहे आप अच्छे स्कूल्स की बात करें, वैन जिन बच्चों ने लगाई हुई है उसका दरवाजा अलग है, जिसकी प्राइवेट गाड़ी आनी है उसका दरवाजा अलग है. फिर आप देखें कि मोबिलिटी, यानी अगर एक बहुत अच्छा स्कूल है, उसने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है लेकिन वो मेरे घर से बहुत दूर है, तो ये बड़े रियल कंसर्न्स हैं. बल्कि मैं अगर ग्रास रूट पे जाती हूँ, मेरी डोमेस्टिक हेल्थ, उसका एक ही ख्वाब है कि उसके 3 बच्चे हैं, वो तीनों को पढ़ा लें. अब स्कूल्स क्योंकि लॉकडाउन में गए, कुछ उसको सपोर्ट मिलती है, कुछ वो खुद कमाती है एंड शी स्पेंड्स द मनी ऑन द स्कूल फीस. ऑनलाइन पे जाने के बाद, यानी लॉकडाउन के बाद जब ऑनलाइन एजुकेशन हुई, इट इज एक्सपेक्टेड ऑफ हर कि उसके पास 3 गैजेट्स हों, तीनों बच्चों को एक ही वक्त में ऑनलाइन वो क्लास कराए, 7 बैठे बच्चे के. आई मीन, आर वी मेकिंग एजुकेशन इजियर और मोर डिफिकल्ट? आई थिंक एजुकेशन इजी बनाने का तो कभी इंटेंशन था ही नहीं. हाँ. अगर होता तो बनाई जा सकती थी. एक चंद लोग खड़े होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और वो इतने सालों तक स्कूल्स ना सिर्फ बनाते हैं, चलाते हैं, पूरा सिस्टम डेवलप करते हैं, रीच आउट करते हैं, क्राइसिस में अलग अलग तरह से इंटरवीन करते हैं. स्टेट के लिए, गवर्नमेंट के लिए क्या मुश्किल था? अगर इंटेंशन होती तो इतना बड़ा नेटवर्क था, इतने रिसोर्सेज थे. आई थिंक एजुकेशन को आसान बनाना तो कभी इंटेंशन था ही नहीं. और ये जो पूरा डिजाइन आप बता रही हैं, दिस इज बाय डिजाइन. ये डिस्पैरिटी इज अ पावर टैक्टिक. ये तो TCS से इदारे हैं और बहुत सारे जो और इदारे काम कर रहे हैं, आजकल मैं किरण फाउंडेशन के साथ काम कर रही हूँ, ये तो तोड़ रहे हैं स्टेटस को. ये तो अपनी पूरी ताकत लगा के उस बोसीदा दीवार को एक धक्का मार रहे हैं, जो कि शदीद इम्पोर्टेंट है.
इस वक्त तो हर चीज का रिसोर्स काट, हर चीज का बजट काट के सिर्फ एजुकेशन पे और हेल्थ पे हमें फोकस करना चाहिए था पिछले कई दिहाइयों से, लेकिन हमने नहीं किया. ये डिस्पैरिटी इज बाय डिजाइन, इट्स अ कंट्रोल टैक्टिक. तो ये तो कोई और करेगा, ये तो आप छोड़ दीजिए, ये हमने ही करनी है. लोगों को ही ये कंट्रोल लेना है बाय एक्शन, बाय वर्ड, बाय मूवमेंट्स. हमें ये जताना है कि दिस इज व्हाट वी वांट. दूसरी चीज ये कि हमने, बिल्कुल सही बात है ये कि हम अब जैसे ये ऑनलाइन एजुकेशन की बात हो रही है, जब भी ये लॉकडाउन खुलेगा और खत्म होगा, हम देखेंगे कि ये डिस्पैरिटी बढ़ चुकी है. क्योंकि यही होगा कि एक तबका बिल्कुल पीछे रह जाएगा, उसके सालों का नुकसान होगा, और सालों का नुकसान तालीमी एतबार से शायद मुझे इतना नहीं बॉदर करता. मुझे ही बॉदर करता है कि वो इस वक्त बच्चे घरों में अनएंगेज्ड, अनमोटिवेटेड, अनस्टिम्युलेटेड बैठे रहे हैं, यू नो. तो वो जो नुकसान है उनका, जो जो उनके बिल्कुल फॉर्मेटिव ईयर्स हैं उनमें वो लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर रहे, वो नई चीजें एक्सप्लोर नहीं कर रहे, वो एक्सपीरियंसेस नहीं कर रहे, आई थिंक वो लॉस हम शायद वो साल हम रिवर्ट नहीं कर पाएंगे. तो व्हाट कैन वी डू एज अ सोसाइटी, एज पेरेंट्स, एज टीचर्स, और इसके साथ साथ हुकूमत ने वक्त को क्या सोचना चाहिए, इदारों को क्या सोचना चाहिए, इस पे हम मजीद भी बात करेंगे. दिस इज द मोस्ट प्रेसिंग इशू. अगर आपको लग रहा है कि बिजली का खर्च और पानी का खर्च ये अहम इशू है, इस वक्त सानिया आपा इज एब्सोल्युटली राइट कि आपके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी, सबसे बड़ी तरजीह इस नई नस्ल की, इन यंगस्टर्स की तरबियत और इनको एक मोटिवेशन देना है. एक छोटा सा ब्रेक लेंगे एंड वी विल बी राइट बैक. All of us are now thinking differently. And welcome back. हम offline भी बात कर रहे होते हैं, ये फायदा होता है Zoom पे, और हम तरसीली आवाम. मैंने बड़े दिनों बाद लोग देखे हैं, because आमतौर पर मैं आपसे Skype से connected होती हूँ. So welcome back once again. हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रियाज कमलानी साहब से, and we have सानिया पाविदा, सानिया सईद साहिबा, और इनसे हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि ये जो चैलेंज है इस वक्त पाकिस्तान की, बहुत बड़ी तादाद आबादी की हम जानते हैं कि बच्चों के, यंगस्टर्स पे मुश्तमिल है, और इनमें से कई बच्चे, यानी अगर आप प्राइमरी की बात करें तो उनके तो फॉर्मेटिव ईयर्स हैं. वो दे हैव, वी हैव नॉट इवन बिगन टू रियलाइज कि उनके साथ हुआ क्या, बिकॉज दे कांट इवन वर्बलाइज इट. एक बच्चे की एक रूटीन होती है, सुबह 8 बजे निकल के हो सकता है घर की 100 परेशानियों से दूर वो अपने आप को एक लर्निंग एनवायरमेंट में डालता है, जो उसका तमाम इकोसिस्टम था, उसके पॉइंट ऑफ रेफरेंस उसके टीचर्स होते हैं, उसका सारा हल्का अहबाब, उसके दोस्त होते हैं, एंड नाउ सडनली दैट इज गॉन एंड ही इज एट होम. इससे जरा बड़े बच्चों की बात करें, उन्होंने जी इंटरमीडिएट किया होगा या मैट्रिक किया होगा, अभी वो अपने प्रोफेशनल ऑप्शंस को गेज कर रहे थे कि उन्होंने किस फील्ड में जाना है, किस कॉलेज में एडमिशन लेना है. जिन्होंने कॉलेज अभी खत्म किया था वो ये ख्वाब देख रहे थे कि शायद जी नौकरी अप्लाई यहाँ पे करेंगे, इस इदारे में करेंगे या अपना स्टार्टअप करेंगे. कैन यू इमेजिन द फ्रस्ट्रेशन दैट दे आर इन, बिकॉज एवरीथिंग इज एट अ स्टैंडस्टिल. तो फिर हमारी जिम्मेदारी बनती है बहैसियत एडल्ट्स के, टू मेंटोर देम, टू कोच देम, एंड टू पुट देयर एनर्जी प्रोडक्टिव यूज. रिया साहब, आई नो ऑफ रेबर प्रोग्राम एंड सेवरल अदर इनिशिएटिव्स एट द टीसीए. इस वक्त जो ये चैलेंज है बच्चों के सामने और यंगस्टर्स के सामने, पेरेंट्स के सामने, उसके लिए इज देयर अ मैनिफेस्टेशन, आर मेंटोरिंग, काउंसलिंग, ऑनलाइन एंगेजमेंट की कोई आप लोगों का इनिशिएटिव है? जी, तो कुछ चीजें जो हम शुरू कर रहे हैं, मगर जो एक मसला है सादा सा, वो ये कि बच्चों के पास ऑनलाइन एक्सेस है नहीं, एंड आई थिंक दैट्स अ मेजर स्टार्टिंग पॉइंट. तो आई थिंक द प्रिंसिपल वी आर स्टार्टिंग विद इज एक लाहौर के मशहूर राइटर और बुजुर्ग गुजरे वासिफ अली वासिफ साहब, वो एक जगह देखते हैं कि जब मसाइल होते हैं तो उनका हल भी अमूमन आस पास ही पड़ा होता है. देयरफॉर ये मसाइल का हल हम कहीं और से कॉपी पेस्ट करके नहीं लाएंगे. आई बिलीव इज कि वो उसी कम्युनिटी में आपको मसाइल के हल मिलेंगे. एंड देयरफॉर जिस तरह की चीज़ें हम इस वक्त करने को कुछ डिज़ाइन में जारी हैं, वो ये कि अगर एक मोहल्ले में हमारे ही स्कूलों से एलुमनाई निकले, और अब किसी पे को 25,000 एलुमनाई निकले, तो बजाय इसके कि मेंटोर आप जैसे लोग जब नहीं जा पाते स्कूल, क्या वो बड़े उन छोटों को मेंटोर कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव बीन थ्रू दैट फनल, और क्या उन बड़ों में से जिनके पास टेक्नोलॉजी एक्सेस मौजूद है, कैन वी स्ट्रक्चर द रेबर प्रोग्राम इन ऑलमोस्ट व्हाट्सएपेबल वीडियोज, कि वो वीडियोज उन तक पहुंचाई जा सके, ताकि वो तीन अपने से छोटों को लेके जो कि अब सातवीं आठवीं नवीं जमात में है, और उनको उस पूरे प्रोग्राम के स्ट्रक्चर से गुजार.
एक तो उससे मदद ये मिलती है कि जो तरबियत का काम करने जा रहे हैं वो होता है, दूसरा इन हालात में जो अभी हमारे ऑफर जिक्र हो रहा था कि कई जगहों पे स्ट्रेस है, अनसर्टिनिटी है, और इस तरह की गुफ्तगू से वो स्ट्रेस और अनसर्टिनिटी मैनेज करने में भी बहुत मदद मिलती है। तो कोशिश हमारी यही है कि जो 20-25 हज़ार एलुमनाई हैं, 10-12 हज़ार खवातीन टीचर्स हैं जो कि उसी ज़मीन से जुड़े हुए हैं, उसी मोहल्ले, उसी गाँव, उसी कम्यूनिटी का हिस्सा है, उनको हम किस तरह से वो मवाद फराहम कर सकते हैं, वो ट्रेनिंग फराहम कर सकते हैं जिसके जरिए वो और फाल किरदार अदा कर सकते हैं अपनी ही कम्युनिटी और हमें लगता है कि बहुत सारा उससे जुड़ा हुआ है। सानिया, पर एक छोटा सा स्विच पर्सपेक्टिव का, यानी किसी भी यंगस्टर का, किसी भी स्टूडेंट का ये समझना कि वो घर में कैद है या घर में महसूर है, एंड चेंजिंग दैट इनटू वो घर में महफूज है, एंड दिस इज योर सेफ हेवन where you can do and be anything, यानी आप limitless हैं at a time जहां आप अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते, ये हम youngsters ने कैसे inculcate? सबसे पहले तो खुद समझे इस बात को, I think adults तो समझे and stop complaining। मैंने देखा है जितने बड़े, जितना बड़े शोर कर रहे हैं वो obviously trickle down effect भी है ना, और यकीनन ऐसा नहीं है कि ये आसान है। जो लोग जॉब्स पे जाते थे वो जॉब्स पे नहीं जा रहे हैं, छोटे छोटे कामों के लिए आप बाहर निकल सकते थे, आपने आपको सिर्फ ये एहसास कि मैं बाहर नहीं जा सकता या सकती का जो प्रेशर है वो बहुत होता है कि मैं जेल में हूँ, मैं नहीं जा सकती। तो अब आप सोच सकते हैं कि जो आप जानवरों को कन्फाइन करके रखते हैं जू में और केजेस में, और अब आपको पता चलेगा कि कैसा महसूस होता है। तो यू नो कन्फाइनमेंट इज अ टेरिबल टेरिबल साइकोलॉजिकल फैक्टर। तो सबसे पहले तो आई थिंक बड़ों को कंप्लेन करना बंद करना चाहिए, और बहुत सारी चीजें हैं जो घरों में ही आप कर सकते हैं। ये टाइम है शायद ये रवैया डेवलप करने का कि जो हमारी आम जिंदगी थी उसके अलावा क्या कुछ था हमारी जिंदगी में। और अभी मैं काफी सारे लोगों से बात कर रही थी तो वो कह रहे थे कि यार हमें ये वाली लाइफ बेहतर लग रही है, अगर ये फाइनेंशियल वो ना हो ना क्रंच, तो इतनी भागदौड़ देखो नहीं करनी पड़ रही, इतनी और चीजों का हमें लग रहा है उसके बगैर हम रह सकते थे। पर इसको मैं एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ रही थी, ये बड़ी लास्ट 2 सेंचुरीज थी मेरे ख्याल में पैदावार है कि आपका ऑफिस या आपका दफ्तर या आपका काम आपके घर से कोई 45-50 मिनट की मुसाफत पे है विद सामान लेता था। ये तो अब हमने शौक पाल लिए, नहीं जी 50 मिनट ड्राइव करके जाएंगे और फलानी सुपरमार्केट से या हाइपरमार्केट से खरीदारी करेंगे। तो जिंदगी थोड़ी सी पॉज में आई है ये, और इस वक्त को हमें एंजॉय करना चाहिए, इसको वी शुड पुट दैट टू बेटर यूज। लेकिन दरअसल आई थिंक द बिगेस्ट क्वेश्चन ऑन यंगस्टर्स माइंड्स आर कि इज दिस द न्यू नॉर्मल या हम पुरानी वाली जिंदगी पे वापस जाएंगे। तो आपके पास उनके लिए क्या जवाब होगा? यानी ये आई एम श्योर कि आपका ऑफिस का, आपके स्कूल का स्टाफ भी आपसे पूछता होगा, टीचर्स भी आपसे पूछती होंगी कि क्या वो क्लासरूम की रौनक दोबारा वापस आएगी जिसमें 30-25 बच्चे बैठे होते थे, या जो हमने इसको, मैं कहीं लाइट हार्टेड एक मीम पढ़ रही थी कि ये सेलफोन का इंतकाम है बेसिकली, जिसको आप पहले क्लासरूम में आने नहीं देते थे, अब पूरी क्लासरूम सिमट कर सेलफोन में आ गई है, सेलफोन ने इंतकाम लिया है हमसे। क्या कहेंगे आप? कुछ मुख्तलिफ अमल होगा ये तो वाजह बात समझ में आती है, मगर मेरे ख्याल में पाकिस्तान की अक्सरियत ये वो नया नॉर्मल भी जो है उसमें कुछ चीज़ें पिछले नॉर्मल के मुकाबले में वैसी ही होंगी। तो अगर हम पहले तालीम के निज़ाम को देखें तो 5% हैं वो एलीट स्कूल्स जहाँ पे टेक्नोलॉजी का एक्सर ये चीज़ें मौजूद, मगर ज़्यादातर जिस तरह सानिया साहब जिक्र कर रही थी, लोग जो है वो मोहल्ले के गाँव का उसका हिस्सा होता है, और वो अगर हम पाकिस्तान में पूरे पाकिस्तान में जाना होता है टीचर के स्कूलों में तो वो एक गांव है, उस गांव के अंदर एक टीचर का स्कूल है, एक दवाखाना है, एक मस्जिद है, कुछ खेलने की जगह है, और उसके बिना पे वो 100-200 घराने जो है उस गाँव में रहायश पजीर। तो मेरे ख्याल में उनका स्कूल कुछ वैसे ही चलेगा शुरू में, मेरे ख्याल में अगले 8-10 महीने में कुछ डिस्ट्रप्शन रहेगी, हो सकता है तीसरी जगह 15 बच्चे आ रहे हो, सकता है बच्चों को 6 दिन नहीं 3 दिन स्कूल जाना और बाकी बच्चे 3 दिन जाएं, कुछ एक दूसरे से फासला रखना, ग्राउंड में खेलना नहीं, एक दूसरे से गले ना मिलना, ये फसाए लिया, ये कुछ रवैये जो है ये बदलने की जरूरत है। मगर तवक्को हमारी यही है कि ये
हमेशा के लिए नहीं होगा, ये 8 महीने 12 महीने तब तक इंशाल्लाह ये सेहत का मामला पूरी दुनिया के लिए सही हो जाए तो शायद वापस उसी जगह पे पहुंचे पाकिस्तान की अक्सरियत के लिए। माइनॉरिटी के लिए हाँ क्लियर के लिए कुछ चीजें बदलेंगी और जहाँ टेक्नोलॉजी का किरदार बनेगा। एंड लास्ट थिंग आई वुड से जो आप जिक्र कर रही थी कि उसमें जो लोग तालीम से जुड़ के काम करें उनके ऊपर ये फर्ज आयद होता है कि वो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की वजह से जो ये गैप है जो मुख्तलिफ हमारे माशरे के तबकों के दरमियान है वो बच्चों के लिए उसका असर और ना बढ़ जाए। हाउ डू वी इंश्योर दैट द गैप बिटवीन द हैव्स एंड द हैव नॉट्स टू स्टार्ट मैग्नीफाई बाय वर्चू ऑफ व्हाट्स हैपनिंग। एब्सोल्युटली एंड आई थिंक इट हैज आल्सो बीन एन आई ओपनर, यानी 2-3 महीनों के अंदर अंदर हम जैसे अडेप्ट कर गए घर में रहना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना। मुझे याद आया सानिया पर एक मैंने इंटरव्यू किया था बहुत साल पहले एंड दिस पर्सन हैड कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बिगिनिंग फ्रॉम अ यू नो फार फ्लंग एरिया, एक छोटा सा कस्बा किसी पहाड़ी के ऊपर था पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज में जहां वो रहा करते थे। लगे हम तकरीबन क्लास 9th या 10th में आए तो हमारे घर में एंटेना लगा और पहली दफा PTV हमारे घर में आना शुरू हुआ। तो कहते वो रमजान के दिन होते थे तो एन इफ्तार से पहले हम लोग थोड़ी देर के लिए टीवी लगा लेते थे कि अजान सुनाई देगी और सब कुछ होगा। तो कहने लगे उससे पहले चल रहे थे इश्तेहारात, कहते उन इश्तेहारात को देख के पहली दफा अंदाजा हुआ कि हम कितने गरीब हैं क्योंकि हमने वो चीजें कभी नहीं देखी थी। तो आज मैं सोचती हूँ कि जो टेक्नोलॉजी है लाइक मिसाल के तौर पे हम रीस्किल कर रहे हैं अपने आप को, हमें नई टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ रही है, हमें एहसास हो रहा हम कितने बेवकूफ थे या कितनी हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो लिमिटेड है, ये कंपैरिजन क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी इस पे हम बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आई विल कम बैक एंड आई विल आस्क आन्यापा कि अब जो टेक्नोलॉजी टू टेक्नोलॉजी कंपैरिजन है, अंडरस्टैंडिंग टू अंडरस्टैंडिंग कंपैरिजन है, क्या ये हमें डीमोटिवेट करेगा और शुड दैट बी आवर ग्रेटेस्ट मोटिवेशन टू लर्न मोर राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले मैं सानिया जी से सवाल किया था एहसास महरूमी, और अब जिस तरह ये कैनवस खुलेगा तो ऑफकोर्स लोग एक दूसरे से अपने आप को कंपेयर भी करते हैं। हम सोशल मीडिया पे देखते हैं यंगस्टर्स अपनी जिंदगी को किसी सेलिब्रिटी के लॉकडाउन से कंपेयर कर रहे हैं, इसका क्या असर पड़ रहा है एंड हाउ कैन वी यूज दैट एज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन। जी सानिया जी, आई थिंक सिद्रा एक बात तो ये है कि आई एम सॉरी मैं हमेशा बड़े उसके ऊपर जाती रहती हूँ वापस, क्योंकि जो स्पेसिफिकली TCF काम कर रहे हो तो रियाज साहब बता ही रहे हैं। मुझे लगता है कि जब कोई पेंडेमिक आ जाता है, जब कोई क्राइसिस आ जाता है, तब हम चीजें ठीक करने की तरफ नहीं भाग सकते क्योंकि उनको सही परस्पेक्टिव में देखना तो हमने डिवेलप ही नहीं किया। सही, हमने किसी तरह का कोई परस्पेक्टिव तो डिवेलप ही नहीं किया। ये सब वो काम थे जो पेंडेमिक से पहले करने के थे ताकि ये पेंडेमिक में काम आते। तो हमने तो वो रवैये डेवलप ही नहीं किए। जब हम घरों में बंद हैं, हमारे पास किसी के पास टेक्नोलॉजी है, किसी के पास नहीं है, जो हमसे बेहतर माशरे हैं, जो अपने अफराद की वेल बीइंग के बारे में सोचने वाले माशरे हैं, उन्होंने इसी इन्हीं चीजों को, इन्हीं मुश्किलात को बेहतरी के लिए इसलिए इस्तेमाल कर लिया क्योंकि उनका इंटेंशन बेहतरी था। और ये पेंडेमिक में नहीं डेवलप हुआ था, ये उनका पैराडाइम है, ये उनकी पॉलिटिक्स का पैराडाइम है, ये उनकी एजुकेशन का पैराडाइम है, वेल बीइंग ऑफ जनरल पीपल एंड परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस यू नो। तो हम इस वक्त ना अब टामक टोइयां मार रहे हैं क्योंकि अब हम लुढ़क रहे हैं, अंधेरा है, हम यहां वहां टकरा रहे हैं चीजों से, हम कह रहे हैं अच्छा अच्छा इससे टकरा गए, अब इसको कोने में कर दो, इसको ऐसे कर लो, तो बस ये सिर्फ डैमेज कंट्रोल ही होगा और जितना हम कर पाएंगे बस उतना ही कर पाएंगे। लेकिन ये जरूर है कि जहां जहां पॉसिबल है, अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है और आप किसी ऐसे आदमी के कॉन्टैक्ट में हैं जिसके पास नहीं है, वी कैन शेयर इट लिटिल बिट। जैसे आप अपने प्रोग्राम का जिक्र कर रही थी, आप अपने स्निपेट्स बनाएंगी, इफ आई कांट, अगर वो बच्चा नहीं देख सकता उसको, मेरे पास लैपटॉप है, थोड़ी देर के लिए वो मेरे पास बैठ के देख सकता है। जैसे रियाज साहब ने कहा कि कम्युनिटी उसमें कैसे कोऑपरेट कर सकती है, जहां बड़ी बड़ी गैदरिंग्स नहीं हो सकती, सोशल डिस्टेंसिंग से 5-6 लोग हो सकते हैं, एक लैपटॉप पे काम हो सकता है। हमको कुछ
थोड़ा सा इनोवेटिवली सोचना पड़ेगा, बहुत क्राइसिस मैनेजमेंट के लेवल पे इनोवेटिवली सोचना पड़ेगा कि हम टेक्नोलॉजी को मैक्सिमाइज कैसे करें. एंड इवन देन ये कोई सोल्यूशन नहीं होगा और हमें इसके सॉरी मैं बहुत कोई कंस्ट्रक्टिव बात नहीं पॉजिटिव बात नहीं कर रही इस वक्त यहाँ, लेकिन हमें इसका इसके नतायज हम को भुगतने होंगे आफ्टर अ व्हाइल. सो वी हैड नॉट पुट सो मच थॉट एंड रिफ्लेक्शन इन इट, हमने एक मजबूत फाउंडेशन नहीं बनाई थी तो अब हमारे लिए मुश्किल आती होंगी. बट रियासा फॉर सम दैट माइट बी अ वेरी लिनियर वे वे ऑफ लुकिंग एट इट. लोगों को ये भी लगता है कि अब क्योंकि टेक्नोलॉजी है हमारे बहुत सारे मसाइल को हमें एक ट्रेडिशनल रिवायती अंदाज में हल करने की जरूरत नहीं है, हम लीपफ्रॉग कर सकते हैं. डू यू सी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल? क्या आपको लगता है कि हम वो डिसरप्शन करके जो हमारे देरीना मसाइल थे शायद हमने पहले नहीं सोचा था कि हमारे तालीमी निज़ाम में कितने दोहरे मैार हैं, कितने मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स चल रहे हैं, तो अब हम उसको यूनिफाई कर पाएंगे किसी तरह? जी आई थिंक उम्मीद तो बिल्कुल नजर आती है, क्योंकि दो तरह से नजर आती है. एक तो जो आपने डिस्ट्रक्शन का जिक्र किया, एक टेक्नोलॉजी से कई ऐसे मौके उभर कर आ रहे हैं और एजुकेशन में आप देखें तो इट्स नॉट जस्ट स्टूडेंट लर्निंग, इट्स आल्सो अराउंड टीचर ट्रेनिंग, कि बहुत सी ऐसी जो पॉसिबिलिटीज नजर आती है जहाँ आपको टीचर्स अगर मुल्क के दूरदराज़ इलाकों में भी ट्रेन करना है तो आप टेक्नोलॉजी के जरिए आप कर सकते. इस तरह की अपॉर्चुनिटीज डिस्ट्रक्शन की बहुत सारी हैं जो कि वादे होकर नजर आती जाएंगी. But more importantly, going back to what Sanjay sir was saying, was look at this in the larger canvas. और अगर ये वो मौका नहीं है जिस पे हमें कौम के तौर पे जागना पड़े, इस सेहत और तालीम दो ऐसे मौजूदात हैं जिनको अगर हमने सही नहीं किया तो हमारा मुस्तकबिल नहीं है. आज एक कौम के तौर पे अगर किसी चीज पे ए पॉलिटिकल इत्तेफाक राय है तो वो दिफा हो सकता है, वो कश्मीर का इशू हो सकता है. इसी किस्म का ऑलमोस्ट ए पॉलिटिकल इत्तेफाक राय चाहिए होगा तालीम की प्रायोरिटी पे और सेहत की प्रायोरिटी, ताकि अगर आप इस इशू को डीपॉलिटिसाइज करके कि तालीम हमारे मुल्क के लिए कली भी अहमियत का हामिल है, ऑलमोस्ट एन एग्जिस्टेंशियल इशू, तब आप आगे बढ़ सकते हैं. और वो है एस्पेक्ट नीयत का. फिर दूसरा एस्पेक्ट आता है काबिलियत का. तालीम वाला काम नहीं है जहाँ आप कहें कि सिर्फ पैसा फेंक के आप 100 दिन के अंदर चीजें सही कर देंगे. देयर हैज टू बी, जो हमने लाइब्रेरी की बात की, टीचर ट्रेनिंग का जिक्र करें, टेक्नोलॉजी का जिक्र करें, करने को बहुत सारी चीजें दर्जनों चीजें, बट यू मस्ट पिक. आई वांट टू बिल्ड अप ऑन लाइब्रेरी थिंग. आपने बिल्कुल सही कहा कि जहां टेक्नोलॉजी नहीं पहुंच सकती, जब गूगल आया तो हमने कहा कि लाइब्रेरी तो वीरान हो गई, वहां वैसे कोई नहीं जाता था, एंड वी डिड अवे विद दैट. बहुत सारी गरीब मोहल्लों की बड़ी जानी मानी लाइब्रेरीज जो दहाइयों से चल रही थी, फाउंडेशंस की थी, हमने उनको बंद कर दिया, किताबों को रद्दी की टोकरी में डाल दिया. बट नाउ आई थिंक द चैलेंज इज सो एनॉर्मस दैट प्रोबेबली वी नीड टू ब्रिंग देम बैक. कि ठीक है, हर बच्चे के पास अगर यू नो कंप्यूटर नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, लेकिन हर इलाके में, हर मोहल्ले में हम एक वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी जरूर बना सकते हैं जहां बुक्स आर डोनेटेड एंड एसओपीज का ख्याल रखते हुए आप उन बुक्स को इशू कर सकते हैं, डिसैनिटाइज करके वापस रख सकते हैं. सो वील हैव टू लुक एट ट्रेडिशनल मीन्स एज वेल एज न्यू मीन्स टू डू इट. लेकिन पर्सनली आई एम एन आइडियलिस्ट साहब, तो मुझे लगता है कि जो काम जैसे लानिया आप कह रही थी ना कि ये पावर स्ट्रक्चर्स बाय डिजाइन थे, इन गुसीदा दीवारों को मस्मार करना जरूरी था, तो कुदरत ने आप लोगों को फोर्स दी है. यानी दिस COVID-19 इज टेकिंग अवे ऑल द पावर स्ट्रक्चर्स, वी आर लिटरली ऑल एट ग्राउंड जीरो, एंड व्हाट वी बिल्ड फ्रॉम हियर ये हमारे बतौर माशरा हमारी अपनी जिम्मेदारी होगी. बट सानिया आपा, अगेन कमिंग बैक टू द रोल ऑफ मास मीडिया, बड़ी अच्छी बात है कि ये आगे ही आई. जैसे आप लोगों ने कॉन्टेंट सॉफ्टवेयर बनाया, नाउ इट्स रनिंग ऑन मल्टीपल चैनल्स. ऐसा तो नहीं होगा COVID-19 खत्म होगा और उसके बाद दोबारा हम इंडियन गाने और यू नो दूसरे गाने सुन रहे होंगे और फिर हम कंप्लेन करेंगे कि 7 साल का बच्चा शीला की जवानी क्यों गा रहा है, लेकिन हम ये नहीं देखेंगे कि आप उसको दिखाई दे रहे हैं. तो आप क्या समझती हैं कि पोस्ट COVID-19 विल ऑल दिस कंटेंट गो अवे और विल बी कंटिन्यू बिल्डिंग ऑन इट? डिपेंड करता है कि इस वक्त हम क्या रिलेशनशिप बना लेंगे उन लोगों के साथ जो डिसीजन मेकर्स हैं इन द मास मीडिया. बिकॉज सच्ची बात यह है कि मास मीडिया इज अ प्रॉफिट बेस्ड एंटरप्राइज, राइट? उनको अभी तो क्राइसिस है और वो सब परेशान थे और घबरा कर सब कुछ अच्छा करने का सूझा था. असल बात यही है कि हमने इस क्राइसिस में जो कुछ सीखा है, क्या वो देरपा है, क्या वो वाकई सीखा है या वो सिर्फ क्राइसिस मैनेजमेंट थी? क्योंकि स्कूल बंद हो गए थे इसलिए
बट आई एम होपिंग कि जो इसके इससे जो नतायज निकले हैं, जिस तरह का रिस्पांस मिला है, उनको ये समझ में आएगा कि ये इम्पोर्टेंट चीज थी और इसको इस पे मजीद डेवलप किया जा सकता है चीजों को. एंड वो फिर एक्सपर्ट्स को भी साथ शामिल रखेंगे, TCS जैसे इदारों को भी साथ शामिल रखेंगे. एंड आई एम होपिंग कि वो देख सकेंगे कि कितना इम्पोर्टेंट काम है, उनके लिए कितना अच्छा साबित हुआ. Suddenly, they had this viewership other than Turkish serials, which was, you know, which they had lost a long, long time ago. So, और कितने बच्चे अब टेलीविजन देख रहे हैं जो पहले, you know, नहीं देखते थे. Yeah. So, I'm hoping that they will learn from this experience. And that is the future. यानी ये आपके viewership बेस है. जैसे हम अपने बचपन का कोई भी अगर रोशन तारा देखा था, संग संग चले देखा था, या फिर सेसमी स्ट्रीट देखा था, वी स्टिल रिमेम्बर. आई थिंक यू हैव अ रिसेप्टिव व्यूड एन ऑडियंस हु कैन बी फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान. बहुत बहुत शुक्रिया सानिया आपका हमारे साथ मौजूद होने के लिए. रियाज कमलानी साहब मौजूद थे. आई थिंक टेकिंग लर्निंग एंड यू नो एक्वायरिंग एजुकेशन बियॉन्ड द क्लासरूम इज द थीम. और सबसे बढ़कर ये कि COVID-19 हमें सिखा रहा है सोशल इंक्लूजन की अहमियत. ये बैरियर्स को हटना होगा. तालीम पर, सेहत पर, हमारी वेलबींग पर हर एक का हक है. इससे कतई नजर कि आप किस तबके से ताल्लुक रखते हैं, किस इलाके में रहते हैं या कौन सी जबान बोलते हैं. सो बड़ा अहम है कि आप और मैं अपना किरदार अदा करें for taking these barriers away and support organizations like TCF. Isi ke saath mujhe ijazat dijiye. For those of you who know about the 14-day challenge, I will be live on my Facebook in about 10 minutes. Aur aapko pata chalega ye jo tohfa maine aapko diya hai, isko aap unbox karke, unpack karke istemal kaise kar sakte hain, participate kaise kar sakte hain for building your dream life. To mujhe yahan se ijazat dijiye. I'll see you shortly. Once again, thank you to my guests. I'll see you tomorrow. Khuda hafiz.